जी देखिए, बोर्ड द्वारा रीट लेवल फर्स्ट की जो सूची अंतिम वैधता सूची जो जारी की गई थी, चयन सूची जो जारी की गई थी, उसमें जो है काफ़ी खामियां सामने आ रही हैं, जो कई युवाओं का तो ये भी कहना है कि इसमें अच्छे से घपला हुआ है। आप देखिए, जैसे मेरिट जो थी वो बहुत अचानक से हाई चली गई है इसमें, और इसमें मेरिट भी इस तरह से कि 5-5, 10-10 गुना हाई गई है। जैसे विडो, डिवोर्स, स्पोर्ट्स और विकलांग कोटे की जितनी भी सीटें थी, उन सभी पे जैसे ही ये सूची अभी जारी हुई है तो इसमें बहुत सारी जो खामियां सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा मेरिट जो आ रही है। दूसरी चीज ये है कि काफी ऐसे साथी हैं जो इसके अलावा भी जो मेरिट में बहुत हाई उनकी मेरिट है, बहुत अच्छे उनके नंबर बन रहे हैं, उसके बावजूद उनको बाहर कर दिया गया है। टॉपर्स युवा यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं ऐसी खड़ी हैं जो टॉपर्स के लिस्ट में थी और उनको अचानक से बाहर कर दिया गया है। अब वो किस तरह से बाहर किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी इन लोगों ने इनको कुछ नहीं कहा कि आपके लिए ये कमी है, वो कमी है, कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना हो तो भी मान लेते, लेकिन इस तरह का जो है घटनाएं सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक जो है युवा बाहर हो रहे हैं और जो पढ़ने वाले युवा हैं उनका हक कोई और खा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे पंचोली सर भी आए थे आज जो सभी युवाओं का सपोर्ट करने के लिए और जो है चेयरमैन साहब से बात करने के लिए, इनसे भी काफ़ी युवाओं ने शिकायत की, और देवेंद्र शर्मा जी भी आए हैं और लगातार हमारा इस चीज़ को लेकर संघर्ष जारी है। जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब इस चीज़ का समाधान नहीं करते। नमस्कार सर। एक तो सर पहली बार मैं बोर्ड में आना हुआ, मेरा क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का रहता है। एक चीज़ बच्चों की शिकायत जायज़ शिकायत थी, इसमें मेरे पास 81 लोगों के नाम है। 81 लोग वो है दोस्तों, मतलब वो कहते हैं कि जिनके नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं, ना प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ना परिणाम है, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी, और कोई जवाब नहीं है। रिजल्ट को आए 9 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं है। अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो ये मैटर है। मैटर नंबर दो, यहाँ पर 4-5 गर्ल्स ऐसे जो अदर स्टेट की गर्ल्स के साथ ये हो रहा है कि वो अदर स्टेट विधवा है, उसको जनरल में काउंट करके उसको बाहर किया जा रहा है। और इसमें दो केस और सामने आए, एक केस था कि एक अदर लड़की थी जो अदर स्टेट की विधवा थी, अदर स्टेट की विधवा को यहाँ पर प्रोविजनल ना रखा गया और प्रोविजनल रखकर उसका मतलब डॉक्यूमेंट चेक करके उसको मतलब पास कर दिया गया। एक लड़की उसका प्रोविजनल में भी नाम नहीं है, मतलब बहुत सारे घपले, अगर लिस्ट को ले बहुत सारे घपले, मतलब परिणाम को लेकर कहीं पर भी ऐसा लगता है पारदर्शिता नजर नहीं आ रही। अब सर ये कहेंगे कि कब रिजल्ट आएगा, अरे लिस्ट पे लिस्ट आई जा रही है, कौन सी लिस्ट आ रही है, 31 तारीख से लेकर आज 8 तारीख हो गई, अभी तक कोई TSP एरिया की कोई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ रही, कोई अता पता नहीं है रिजल्ट को लेकर, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे, कोई भी सर्टिस जॉब नहीं है, अंदर बुलाया जाता है, अंदर पता नहीं क्या बात करते हैं अकेले में, अंदर बुला के बाहर भेज देते हैं, उसका काम हो जाता है, जो बाहर रहता है वो बाहर का बाहर रह जाता है। तो अंदर ऐसा कौन सा प्रसाद मिल रहा है, हमें आज तक समझ नहीं आ रहा कि अंदर जो अंदर जाएगा उसका समाधान होगा और बाहर वाले को कोई समाधान नहीं होगा। एक्चुअली सर हंगामा नहीं चाहिए। अरे कट ऑफ अगर मैं आज तक मीडिया के सामने बोलूँ, आज तक इतिहास में कोई बता दे, हम शिक्षक है, कट ऑफ अगर दुगना लिस्ट में 16 कट ऑफ जाती है तो हाईएस्ट कितनी जा सकती है, 32, 48, 64, 80, 90, कट ऑफ 150, हमने तो आज तक इतिहास में नहीं देखा, वो कैसे गई, हम उसके बारे में कोई हंगामा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो जो 57 लड़के पास हुए उनके नंबर क्या 150 से ऊपर आ गए, और आ गए तो दिखा दे हमें, हम चुपचाप चले जाएंगे, बात खत्म, कोई मतलब नहीं। तो अच्छा दूसरा, ये विधवा तलाक से इन दो के साथ क्यों नाटक कर रहे हैं, विकलांग वगैरह ये इन कैटेगरी के साथ है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अकेले है इसलिए इनके साथ। अरे भाई जो भी हुआ बता दे कि भाई तुम्हारा लिस्ट आ जाएगा या कुछ भी आएगा, प्रेस नोट आएगा, कोई अता पता नहीं है। और ये कहते हैं वर्कलोड, ऐसा क्या वर्कलोड है, 2 घंटे में खड़े हुए कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो वर्कलोड है कहाँ पर है। तो बहुत सारे मैटर सर, ये बात हम कहना चाहते हैं, हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते, कोई आंदोलन नहीं करें, कोई क्या आंदोलन को करना है, राज्य में काम अगर काम हो जाएगा तो यहाँ पर क्यों आंदोलन करेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ाने का काम करता, पहली बार आया हूँ आज। कई बच्चे सोचे मुखिया जी नेतागिरी करने आ गए, नेतागिरी करने का काम ही नहीं है हम पहले, और जो बात जायज़ है भाई 81 लोग तो मेरे पास है, ये सर 81 तो यहाँ खड़े हैं, अब बताए कितने लोग होंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा होगा। ये बात है सर, ये मैटर हम बच्चों के साथ लेके आए सर, जिनकी जो जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से मतलब ये सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई रहता है तो डिवोर्स और विडो कोटे से जुड़े हुए और विकलांग कोटे से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अब इन युवाओं के साथ ये पहले से परेशान है और इनको ये शर्म नहीं आती कि इन लोगों की हर बार, आप इसी भर्ती की नहीं दूसरी भर्तियों की भी आप देखेंगे ना तो यही हालात है, सबसे ज्यादा परेशान इन लोगों को होना पड़ता है, इतना ज्यादा परेशान होना पड़ता है कि ये लोग कभी इनके लिए किसी तरह से इनको प्रोविजनल में रख देता है, कभी इनकी जो है मेरिट इतनी अचानक से 10 गुना बढ़ जाती है, कभी किसी प्रकार की समस्या है, कभी किसी जो वैलिड युवा है वो बाहर रह जाता है। अब आप बताइए, कोई बेचारा दिव्यांग बच्चा है और वो बाड़मेर बैठा है, बांसवाड़ा बैठा है, और उसके आपने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से यहाँ से छोड़ दिया, अब वो वहां से एप्लीकेशन लिख के यहाँ पहुंचेगा और वो कितना परेशान
परेशान होकर पहुंचेगा आप देखिए, दूसरा वो कितने दिन यहाँ रुकेगा, इन युवाओं का अभी ये लोग यहाँ आए हैं अभी अपनी समाधान के लिए, 5-7 दिन 10 दिन जितने दिन इनको रुकना पड़ेगा ये रुकेंगे, क्या इनका खर्चा नहीं लगेगा? आप देखिए कोई गरीब घर का युवा तो फिर अपना अधिकार पा ही नहीं सकता, वो योग्य होते हुए भी अपनी नौकरी नहीं ले पाता, तो ऐसे इन ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो सबसे मेन बात यह है कि हम समाधान चाहते हैं, हमें हंगामा करना खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारे सीधा समाधान चाहिए, और समाधान नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री निवास भी दूर नहीं है, हम मुख्यमंत्री निवास के सामने भी बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी आप कान खोल के सुन लीजिए, इनका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में चुनाव भी है आपके सामने, आप ये मत सोचिए कि ये युवा देख रहा है और ये सहन करके यहाँ से चला जाएगा, हर गांव में बैठा हुआ युवा इस चीज़ का बदला जरूर लेगा, जो पेपर लीक होते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, अभी इस तरह के घपले सामने आ रहे हैं, ये रोज हर भर्ती का एक आपने वो बना के छोड़ दिया, क्या आप इन चीज़ों के लिए एक एंटी चीटिंग एक्ट बना दिया, चलो आपने कानून बना दिया, उम्र कैद कर दी, फिर भी कोई लगाम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रियल में जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है, जो हमने सुझाव दिए थे अच्छे अच्छे सुझाव इनको दिए थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन उन चीज़ों पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, खुद ही अपनी तरफ से आप कभी कुछ बना देते हो, कभी कुछ नए नियम बना देते हो, कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में इन भर्तियों को जो धांधलियों से इनसे बचाने के लिए इनको उचित कदम जो उठाने चाहिए, हमसे आप मांगिए अच्छे अच्छे सुझाव हम देंगे, तुरंत प्रभाव से इनका समाधान करें, अन्यथा मुख्यमंत्री निवास भी दूर नहीं, और हर तरीके का जो आंदोलन हमें करना पड़ेगा हम हर तरीके से करेंगे, और विकलांगों के लिए तो आप गांधीवादी छवि के हो, और गांधी जी तो शायद दिव्यांगों के लिए बहुत ज़्यादा वो सहानुभूति रखते थे, ये डिवोर्स और विडो जो कैटेगरी की महिलाएं हैं इनके लिए तो खुद के अपने लिए सहानुभूति होनी चाहिए, बहुत परेशान है सर, बच्चे बहुत चाहिए, पिछले 3 घंटे से खड़े हैं, अब कब तक इंतजार की एक लिमिट होती है सर, हम भी कोर्ट केस होता है, कोर्ट का भी एक लिमिट होता है, कब तक इंतजार करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर क्या कल वापस आए? चलो सरकार खुद बोलती है कि हम एकल नागरिकता के साथ हैं, हम उनको पहले जॉब देंगे, तो कहाँ है हमारी जॉब? हमारी जॉब ये 44 पे लेके 150 पे कट ऑफ पहुँचा दी, 16 से लेके 149 पे कट ऑफ पहुँचा दी, तो एकल नागरिकता कहाँ रह गई? उन्होंने तो पैसे वालों को नौकरी दे दी, और जो मजबूर गरीब है जिनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, वो आज हम यहाँ सब आंदोलन के लिए खड़े हैं अपनी मेहर। हाँ, उनको ये बोला जा रहा है कि आप टॉपर में आओ, टॉपर की लिस्ट में आओ, ताकि आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब पैसों वालों के लिए तो आप बिना टॉपर के ही फर्जीवाड़े से और उनको ज्वाइनिंग दे रहे हो, पोस्टिंग दे रहे हो, जैसे भी है, लेकिन हम इतनी कंडीशन जैसे हमारी कंडीशन है, खाने वाला है नहीं है, मतलब जैसे हम अपनी उसके हिसाब से कंडीशन को देख कर भी हम पढ़ाई करते हैं, हमारे साथ जिम्मेदारियां भी, हम अकेले तो है नहीं, हमारे साथ बच्चे भी, हमें घर भी चलाना है, उनको भी पालना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो हम कैसे टॉपर आ सकते हैं? जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मेरिट है उस पर हम आए, हमें कोई संतुष्टि का जवाब नहीं, यही कहा है कि टॉपर लिस्ट में आओ, और स्प्रे करो ये बोला गया था हमें, अब तो मैंने ये बोला कि हमारे लिए तो बंसी वाले आप करो ना आप, मतलब इस तरीके से हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हो, अन्याय क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ एग्जाम करवाते हैं, और जो प्रिंसिपल लोग हैं स्कूलों के वो, मैं भरतपुर से आई हूँ, मैं किशनगढ़ से आई हूँ, हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर मेरिट 150 गई है, मेरे 165 आए हैं, तो फिर मेरा रोल नंबर क्यों नहीं आया किसी भी लिस्ट में? मैं ओबीसी डाइवोर्सी से हूँ सर, मेरे नॉन टीएसपी से, और हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, जिला लेवल पर प्रोविजनल में भी नहीं है, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है सर, और हमने यहाँ एप्लीकेशन दी तो हमें बोला कि आपका रोल नंबर आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आपकी ऑफलाइन लिस्ट जारी कर रहे हैं मंडे के टाइम, तो फिर बोला कि ऑफलाइन, बच्चों ने बोला कि ऑफलाइन लिस्ट आज दिन तक तो जारी नहीं हुई, आज कैसे जारी हो जाएगी, जो कि आप रुको अंकल आना, फिर बोल दिया कल आना, फिर बच्चों ने बोला कि नहीं कल तो नहीं सर, हम तो बहुत दूर दूर से आए हैं, तो फिर शाम को सेक्रेटरी सर ने बात की, तो उन्होंने बोला कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है आप एप्लीकेशन दे दो, तो सबने एप्लीकेशन दे दी, तो सर ने बोला कि अगर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है तो हम जाँच करके और आपकी लिस्ट जारी कर देंगे, सर 5 दिन हो गए आज दिन तक लिस्ट जारी नहीं हुई, सर हमारे रोल नंबर गए तो गए कहाँ सर, जब हमारे जिला लेवल पर कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं आई सर, यही मांग है हमारी कि हमें न्याय दिया जाए, आज तक इतनी कट ऑफ नहीं गई है, और अगर कट ऑफ गई है हमारा तो टाइम ये हाईएस्ट पे बोलते हैं कि हमने हाईएस्ट लिए, तो इतनी लोएस्ट क्यों से गई, 44 पे फिर आपने किस हिसाब से लिए, या तो हमें ऑल सेलेक्ट किया जाए, ये हमारे साथ न्याय किया जाए, उनकी लिस्ट बता दी जाए जिनके नंबर है, हर भर्ती में उन्होंने मतलब अपनी कट ऑफ बढ़ाई है, उसी हिसाब से 10-12 नंबर लाके 20 नंबर तक बढ़ा के हमें हमारा हक दिया जाए बस, या फिर ऑल सेलेक्ट किया जाए, या फिर ऑल सेलेक्ट किया, क्योंकि 2018 वाली भर्ती में भी उन्होंने ऑल सेलेक्ट, सरकार ने भी तो ऑल सेलेक्ट। हाँ, अभी 3-4 दिन पहले प्रोविजनल सूची के लिए हम आए हुए थे कुछ स्टूडेंट को लेकर, तो बोला गया था कि जल्दी सूची जारी कर देंगे, अभी तक
कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी कोई प्रोविजनल सूची जारी नहीं की गई है, उनके लिए भी लगातार प्रयास है ताकि वो सभी की सूची एक साथ जारी हो, तो जो भी कैंडिडेट आने वाले हों। अब इनका मामला है, जितने भी अभ्यर्थियों का मामला है, इनमें भी एक पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स का कहना यह है कि अगर इतनी बढ़कर मेरिट गई भी है तो पारदर्शिता लाइए कि किस प्रकार से मेरिट बढ़ी है, उन बच्चों के नाम दीजिए जिनके आपने जिनका सिलेक्शन हुआ है ताकि इनको भी संतुष्टि हो सके। साथ साथ जिनका सिलेक्शन के बाद जिनका मेरिट में नंबर आने के बावजूद भी नाम नहीं है सूची में, ये भी सबसे बड़ी बात। आज इतने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर जिनके अंक मेरिट से काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी किसी भी सूची में उनका नाम नहीं है और उनका भी कोई कारण नहीं बताया जा रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए चीज़ों में, इसका जवाब स्टूडेंट को मिलना चाहिए ताकि आज ये जो बहनें आज ये जो भाई इतनी दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो बार बार ये बोल नहीं आएंगे। पहले ही ये बहनें बता रही है कि ये कितनी बड़ी परिस्थिति से गुजर रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से अपना खर्चा निकाल रहे हैं, पहले ही कितनी बड़ी परिस्थिति में, उसके बावजूद भी इनके साथ ये जो अन्याय हो रहा है इनके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। आज आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है, आंदोलन आगे जाएगा और आंदोलन आगे बढ़ेगा भी, इसे मजबूती के साथ आगे लेकर भी जाएंगे। तीनों सूचियों में मेरा नाम नहीं है और हमारा जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पी एच के कम से कम 40-50 बंदे ऐसे हैं जिनका किसी भी सूची में नाम नहीं है और सब अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी फाइट कर रहे हैं, तभी भी उनका किसी भी सूची में नाम नहीं है। हम पहले ही शारीरिक रूप से तो परेशान है, उसके अलावा उनको मानसिक तौर पे भी परेशान किया जा रहा है सरकार के साथ। सरकार हम दिव्यांगों के साथ ऐसा अन्याय कर रही है, इसलिए हमें यह बोर्ड के द्वारा यहाँ से न्याय चाहिए, यही हमारी मांग है सरकार से।